बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं? देयर आर सम वर्ड्स जिन्हें हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ क्लासेस में या ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। हर ग्रुप का, हर वर्ड का सॉरी अपना अपना फंक्शन होता है, एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उस वे में उन्हें हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। हमारे पास यूजुअली 8 parts of speech hoti hain, 8. There are 8 parts of speech. Then number 1 hai noun, number 2 is pronoun, number 3 is verb, adverb, adjective, conjunction, preposition and interjection. Aaj ka jo hamara topic hai in parts of speech mein se wo noun ka hai. Noun jaise ki aapko maloom hai ki it is a name of a person, place or a thing. Kisi bhi cheez ka, jagah ka ya kisi bhi khayal ka naam, basically thing or idea jo hai wo ek hi cheez mein शुमार होते हैं, नाउन कहलाता है। इसकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं, जैसे कि नाउन की बात की जाए तो बॉय या बहावलपुर या बुक, जिसमें केमिस्ट्री और होली कुरान, पाकिस्तान, इस सभी के सभी जितने भी नाम हैं किसी भी चीज़ के, जगह के या आइडिया के, वो नाउन में शुमार होते हैं। इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और बेसिकली हमारे पास जो है 5 जो जनरल टाइप्स हैं वो मिलती हैं। नंबर 1 इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहते हैं जी द कॉमन नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, जो कि कॉमन नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ बॉय, अब लड़का कोई भी हो सकता है, या मैं कहता हूँ गर्ल तो उसमें कोई भी लड़की हो सकती है, या जब मैं कहता हूँ बुक तो उसमें कोई सी भी किताब हो सकती है जो कि कॉमन होती है, या मैं सिटी का नाम लेता हूँ या कंट्री कहता हूँ। तो ये वो वर्ड्स हैं कि जिन जो कि कॉमन है, जिनमें कोई भी मुल्क हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी शख्स हो सकता है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं द पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि खास नाम होता है किसी भी जगह का, चीज का या शख्स का या आइडिया का। मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ अहमद, अहमद इज अ स्पेसिफिक नाउन। आयशा, लाहौर, पाकिस्तान या होली कुरान या सतलुज रिवर, ये प्रॉपर नाउन में शुमार होते हैं क्योंकि ये खास है, क्योंकि ये पर्टिकुलर है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बेटा कहते हैं कि जिसमें एक ऐसे नाउन को, एक ऐसी चीज को कि जिसे हम देख भी सकते हैं, जिसे हम छू भी सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स जो अपनी एग्जिस्टेंस रखती हो, जो एक स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस रखती हो। मिसाल के तौर पर सिल्वर, गोल्ड, मिल्क, वाटर, स्टोन, इस सभी के सभी, या हेयर्स, इस सभी के सभी मटेरियल नाउन में आते हैं कि जिन्हें आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स जो अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं। इनके कंट्रास्ट में जो फोर्थ टाइप है हमारे नाउन की, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है कि एक एब्स्ट्रैक्ट जो कि ख्याली नाउन है उसकी तरफ इशारा करता है। ये आइडियाज होते हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं कि जिन्हें आप ना देख सकते हैं, ना ही ये अपनी एग्जिस्टेंस रखती हैं, लेकिन आप इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर काइंडनेस, लव, हेट, इस तरह के जो जज्बे हैं या हंगर, इन्हें आप देख नहीं सकते, ना ही अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं, बल्कि आप इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एंड लास्ट इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ऐसे नाउन को शो करवाते हैं कि जो ग्रुप में होता है। It is a single word which refers to a group of people or a thing or objects. मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ आर्मी, अब ये एक लफ्ज है, लेकिन हमें ये शो करवा रहा है कि आर्मी के अंदर कितने सारे यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, लेकिन हमने उन सब को सिर्फ एक नाम, एक नाम से जाया कर दिया, जिसे आर्मी कहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाम होगा। उसके बाद पुलिस, सेम एज फैमिली, कम्युनिटी, कमेटी या कम्युनिटी या सोसाइटी या पार्टी, ये टीम, ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जो एक वर्ड से हम ग्रुप ऑफ पीपल की जाने का इशारा करते हैं, वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। सो काइंड्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कलेक्टिव नाउन शामिल होते हैं। थैंक यू।